फ्रेंड्स, डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के नए साम्राज्य और राज्य के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या बताती हैं प्रस्तुतियाँ? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर एक लंबे अभिलेख पर खुदे हुए लेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य में की गई थी। बच्चों, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे कि आप पिछले अध्याय में गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ चुके हैं, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में उनकी भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। बच्चों, अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखो तो पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग से रंगा गया है। उन्हें पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और कुछ नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। बच्चों, नंबर 1, मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। नंबर 2, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी, यानी आत्मसमर्पण कर दिया था, तो समुद्रगुप्त ने उन पर उन्हें शासन करने की फिर से अनुमति दे दी। नंबर 3, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दिखाया गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। उपहार हम प्रेजेंट को कहते हैं, गिफ्ट को कहते हैं। उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। नंबर 4, बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया था।
बच्चों ये आप चित्र देख रहे हैं, ये वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है। जैसे इन सिक्कों में तुम्हें वीणा बजाते हुए दिखा उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये प्राचीन काल के सिक्के हैं और ये मानचित्र है जिस पर काले नीले हरे बिंदु दिखाई दे रहे हैं। बच्चों अब हम वंशावलियों के बारे में पढ़ेंगे। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी हमें जानकारी देती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा दादा पिता और माता के बारे में हमें जानकारी देती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्हें महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि दी गई थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बहुत बढ़ गया था। बच्चों समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी हमें जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से हमें जानकारी मिलती है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को हराया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा रहता था। कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। इनके विषय में और अधिक जानकारी अध्याय 11 पढ़ेंगे तब मिलेगी। बच्चों हर्षवर्धन तथा हर्षचरित, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से जानकारी मिलती है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री स्वयं तसांग जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे थे। उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसकी विस्तृत विवरण दिया है। बच्चों हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के वह राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार दिया तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधिकार में ले लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर उन्हें नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। बच्चों पल्लव चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के
डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में ही स्थित था। बच्चों, चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र बन गया था, जहाँ कई मंदिर भी थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को वो निशाना बनाते थे और समृद्ध शहर थे। पुलकेशन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्तियों से जानकारी मिलती है। इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली चार पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। बच्चों, रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपना अभियान चलाया था। इसके अलावा उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहे। पुलकेशन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण कर दिया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी, यानी छुपना पड़ा। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश इतने कमजोर हो गए थे, पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राजपूत तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ेंगे। बच्चों, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर, यानी भूमि पर टैक्स सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की पहली इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई परिवर्तन आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई प्रयास किए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद प्राप्त करने लगे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंड नायक, अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। दूसरा है, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमारामात्य, अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक, अर्थात युद्ध शांति के विषयों का भी मंत्री था। अगला है, संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में कुछ प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी, यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थभाय, यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक, अर्थात मुख्य शिल्पकार, तथा कायस्थों, यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। धन्यवाद।